जो है वो हमेशा बरकरार बने रहेगी। इनके हाथ में क्योंकि क्या है 24 घंटे महिलाओं के बीच में निरंतर काम करना, ये इनकी अपनी खूबी रहेगी। उसकी मैं जिला सहयोगी का भी हूँ और बीएड कॉलेज में प्राचार्य के पद पर भी हूँ और इन सबसे बड़े मैं एक समाज सेविका हूँ। आपकी बेटी बहन बहू जो आप माने वो हूँ। आज आदर्श समाज सेवा शिक्षा समिति ग्वालियर, जैसा नाम वैसा काम, ये जो एक प्रकल्प है आदर्श सेवा समिति, ये जैसा नाम उसी के अनुरूप बिल्कुल कार्य करती रहती है। तो मैं आज प्रवीण पवार जी का बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ कि ईश्वर उन्हें भी इसी प्रकार ऊर्जावान बनाए रखे कि वो हम सभी बहनों के लिए और भाइयों के लिए इसी प्रकार कार्य करते रहे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए परम आदरणीय प्रवीण पवार जी के लिए। आज बहुत कहते हैं कि हम लोग जब काम करते हैं तो कारवा ऐसे ही बढ़ता जाता है, मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। प्रवीण पवार भाई साहब आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, आपने ग्वालियर की इन महान विभूतियों से मिलने का मुझे आज मौका दिया। हमारे साथ आज मंच को साझा कर रहे हैं आदरणीय जेडी दीक्षित जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गुप्ता जी कमांडेंट टेकनपुर, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। सपना जी हमारे साथ LIC से है, नेहा जी मेडिकल कॉलेज में काउंसलर है और साथ ही जितेंद्र बघेल भाई साहब मानवाधिकार आयोग में पद पर है। मैं एक बार मंच के लिए जोरदार ताली चाहूंगी। आपको मैं बताना चाहूंगी कि मैं जब जन्म लिया था बेटी का अपने परिवार में तो मैं एक माँ बाप की तीसरी बेटी थी, तीसरी कन्या। तो तीसरी कन्या होना उस समय बहुत बुरा माना जाता था कि अरे मेरी दादी को भी रोना आ गया था, मेरे मम्मी को भी रोना आ गया था, मुझे देखा भी नहीं था कि तीसरी बेटी हो गई, हमें तो बेटा चाहिए था। तो ये दुर्भाग्य की बात होती है कि बेटी पैदा होते ही उसको अपशगुन मान लेते हैं, कहते हैं बोझ आ गया, लेकिन ऐसा है क्या? नहीं है ना। आज वही बेटी सबके सामने खड़ी है। मेरे पिताजी और माताजी आज गर्व से सीमा चौड़ा करके कहते हैं हमारे घर में अगर कोई हीरा है तो वंदना है। तो मैं इस मंच के माध्यम से सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि आज भी जब कन्या का जन्म होता है घर में तो सबको ये लगता है काश बेटा हो जाता, लगता है कि नहीं? क्यों हो जाता? जो भी हो हम बेटा विरोधी नहीं है, लेकिन बेटी हो रही है बेटा हो रहा है, अंतर क्या है? कुछ अंतर है, दो हाथ उसके दो पैर उसके हैं, वो भी आज हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बेटी है लेकिन सर्वोच्च पद पर है भारत के। तो जो एक बेटी कर सकती है, जो एक बेटा कर सकता है, वो एक बेटी भी कर सकती है। तो जब जन्म के समय हमें क्यों लगता है काश बेटा हो जाता। मैं बीएड कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर थी, अभी वर्तमान में प्राचार्य हूँ। मैंने पढ़े लिखे वर्ग में भी देखा लोगों की मानसिकता होती है कि बेटा हो जाए, फिर बेटी हो जाती है तो कहते हैं ना कि अगर घर का कुत्ता भी होता है उससे भी हमें लगाव हो जाता है। बेटी ने जन्म दिया तो उसे फेंक तो सकते नहीं है, लेकिन मानसिकता आज भी इस पढ़े लिखे समाज में बेटे की है। तो जब मैं शादी होकर आई, मैं भी पढ़ी, मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, दुख हुआ, लेकिन अपनी पढ़ाई से मैंने उनके दुख को खुशी में बदला। मैं एक सरकारी कॉलेज से पढ़कर आई थी, सरकारी स्कूल में, जहाँ मात्र 100 रुपए सालाना फीस हुआ करती थी, मात्र 100 रुपए सालाना। वहां से हम निकले, लेकिन हमने क्या लिया? हमारी प्रकृति में बहुत कुछ है, आप सब ध्यान से सुने क्योंकि आप और हमें बहुत अंतर नहीं है। अगर आप भी मेहनत करेंगे तो यहाँ मंच आपको मिलेगा। हमारे पास प्रकृति ने समाज में सब कुछ हमारे चारों ओर दिया, लेकिन जरूरत क्या है उसे ग्रहण करने की। हम स्कूल में पढ़ते थे, कोई डांस कॉम्पिटिशन हुआ सबसे पहले पहुंचते थे, गाना कॉम्पिटिशन हुआ सबसे पहले पहुंचते थे, NCC हुई हमने सबसे पहले दी, सब कुछ निःशुल्क था, शुल्क तो लगना नहीं था। भैया हम नेशनल प्लेयर बने, आपको मैं बताऊं मैं 5 गेम्स में नेशनल प्लेयर रही हूँ। अभी बीएड कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ, लेकिन अगर मैं पल्ला करके जाती हूँ तो आप प्राचार्य हो लगता तो नहीं? क्या वेशभूषा हमें बताती है कि हम प्राचार्य हैं या नहीं? आपके संस्कार बताते हैं ना कि आप क्या हैं? मेरी शादी हुई, शादी होके मैं अपने ससुराल में गई, मेरे ससुराल में बिल्कुल मान सम्मान किया जाता था, मुझसे जो बड़ी भाभियां थी, नन्हे थी, सास थी, उनके यहाँ पल्ला होता था, हमने भी रखा। क्योंकि अगर हम कुछ थोड़ा सा करके उनको सुख दे रहे थे, उससे बुराई क्या है? बुराई है कुछ? कहते हैं ना समायोजन और कुसमायोजन, तो महिलाओं को एडजस्टमेंट बहुत करना पड़ता है, तो वो भी हमने किया। अगर हमारे पल्ला रखने से या सर पर पल्ला रखने से हमारे परिवार को हमारे समाज को अच्छा लगता है तो बुरा नहीं है, मुझे भी अच्छा लगता है। हमें अपनी भारत की संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए। तो जब मैं वहीं आती हूँ कि मैं ये बेटी है तो गलत संस्था क्यों मैंने स्थापित की? बेटी के बाद जब शादी होगी मैं ससुराल में आई तो मेरे पति देव ने मुझसे कहा पढ़ाई करो। मैंने MSc फिजिक्स से किया, MA साइकोलॉजी से हूँ, BEd MEd गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और PLC गाइड भी हूँ मैं। तो जब मैं शादी होकर घर आई, मतलब ससुराल आई, तो मेरे ससुराल वालों ने पति देव ने मुझसे कहा कि अभी आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। तो मैं बच्चे को लेती थी तो मेरा पूरा परिवार मेरे साथ रहता था, संस्कार और शिक्षा दोनों चीजें जरूरी है। तो
परिवार का सहयोग मिला और मैं अनवरत पढ़ाई करती चली गई। लेकिन उसी बीच में जब मुझे बेटे का प्रेग्नेंट होती महिलाएं शादी के बाद सभी चाहते परिवार बनाए, तो मैंने भी सोचा अपना परिवार बनाए। तो जब आशीर्वाद लेने जाते थे तो सब घर के बड़े बुजुर्ग कहते थे मोड़ा हो, ऐसे ही कहते हैं कि मोड़ा हो, तो सुन लेते थे। तो ये नए नए शादी हो के आए कह रहे हैं तो सुन लो, मन में आता था यार मोड़ा क्या कह रहे हैं, स्वस्थ शिशु वो ये आशीर्वाद है। लेकिन सब बड़े बूढ़े हमारे यहाँ मोड़ा ही कहते हैं, बेटा हो ऐसा नहीं कहते, मोड़ा हो। चलो कोई बात नहीं, मोड़ा हो गया भैया हमारे पहला। अब पीएचडी भी कर रहे थे, मोड़ा होने के बाद हमारे पति देव ने परिवार ने उसको संभाला, पूरे परिवार का हमें सहयोग मिला। हम पीएचडी करने के लिए गांव में गए, मेरा ड्रॉप आउट स्टूडेंट पे वर्क है, मैंने सेल्फ में क्वेश्चन आंसर निर्माण किया और घर घर जाकर लोगों से क्वेश्चन आंसर करती थी। तो मैंने देखा महिलाओं की और बच्चियों की स्थिति आज भी पूरे ग्वालियर संभाग में बहुत बदतर थी। पूरा ग्वालियर मध्य प्रदेश पूरे भारत में काले धब्बे के समान है कन्या भ्रूण हत्या में। आप आज भी अगर स्टेटमेंट उठाएंगे तो 1000 पुरुषों पे 832 कन्याएं हैं। ये बहुत चिंता का विषय है, जो बच्चे बड़े होंगे जो शादी की उम्र पे आएंगे क्या उनकी शादी हो पाएगी। लगभग कितने 832 घटा दीजिए 1000 में से कितने 164-165 बच्चे बिना विवाह के रह जाएंगे, तो क्या करेंगे, क्राइम करेंगे। तो ये सोचते सोचते हम लोगों ने सोचा कि भैया क्यों ना एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो भारत सरकार एक अभियान चला रही है उसके हम भी सहभागी बने। संसाधन सीमित थे, कोई सोर्सेज नहीं थे, हम दोनों ने एक बेटी हतो कले सामाजिक संस्था की नींव रखी, 7 लोगों के साथ हमने उस संस्था का निर्माण किया आज से कई साल पहले, 10 साल पहले 2013 में। और आज आपको यकीन दिलाती हूँ वो हमारा वट वृक्ष बन चुका है। पूरे ग्वालियर में 5000 बहने हमारे साथ इस बेटी हतो कले सामाजिक संस्था में कार्य कर रही है, बहुत खुशी होती है। बस हमारा यही एक अभियान है, जहाँ भी बेटी का जन्म होता है हम उस घर में जाते हैं, उनसे कहते हैं कि आपके अभिशाप नहीं आया है। बेटा तो कहते हैं भाग्य से होता है, लेकिन बेटियां कहते हैं भाग्यों से होती है, 100 भाग्यों से। तो बेटा एक भाग्य से हो रहा, बेटी कितने भाग्यों से हो रही है, 100। तो हमारी बेटियां बेटों से कितना आगे हो गई, 100 गुना आगे हो गई। तो जब भी आपकी बेटी का जन्म हो आप लोग बिल्कुल दुखी ना हो, हमें बुलाए, हम आपके घर आएंगे, आपको योजनाएं बताएंगे, गवर्नमेंट की इतनी योजनाएं हैं उनका पालन करना सिखाएंगे और आपकी खुशियों में हम शामिल होंगे। आपके घर आएंगे, गीत गाएंगे, बधाई गाएंगे। पहला प्रकल्प हम लोगों ने ये माना। दूसरा, जब ये बच्चियां उत्तर हो जाती है 9, 10, 11, 12 क्लास में आती हैं, हमारे देश का भविष्य बनती है, तो हमारी पूरी संस्था की टीम मिलकर उनको एक स्कूल में जाकर हम लोग सम्मानित करते हैं, जिसमें हमारे साथ कई बार प्रवीण भाई साहब भी हमारे साथ सम्मिलित हुए हैं। तो जीवन में सिर्फ एक ही प्रण है कि हमारी जो बेटियां जन्म लेती हैं उनको अभिशाप ना समझा जाए, हमारे बेटियों के जन्म पर उनकी शादी की चिंता ना करना है, करनी है चिंता, उनकी शिक्षा की चिंता करें, उनके स्वास्थ्य की चिंता करें, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने की चिंता करें। अगर हमारी बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी तो शादी तो उनकी अपने आप हो जाएगी, और नहीं भी हो तो क्या दिक्कत है, पैरों पर खड़ी है, परिवार का पालन कर रही है। आप सभी से सिर्फ इतना अनुरोध करती हूँ कि मैं भी आप में से एक बहन हूँ, एक बेटी हूँ, आप भी मेरे साथ इस अभियान से जुड़िए। प्रत्यक्ष रूप से भी आप जुड़ सकते हैं, यूट्यूब पे डॉक्टर वंदना भूपेन प्रेमी के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, जिसमें मैंने इस मुहिम को पूरे भारत वर्ष में मैंने चला रखा है, डॉक्टर वंदना भूपेन प्रेमी। तो उससे प्रत्यक्ष रूप से आप उससे चैनल से जुड़िए, उसको सब्सक्राइब करिए और आज का प्रोग्राम भी उसमें आएगा। चैनल से पैसा कमाना उद्देश्य नहीं, उद्देश्य क्या है कि ये मुहिम यही नहीं रुकनी चाहिए, पूरे भारत में फैलनी चाहिए। तो आप लोग हाथ उठा के संकल्प लीजिए कि मेरे साथ हो आप सभी, अब हम सभी बेटी के जन्म पर दुखी नहीं होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे बहनों की जोरदार तालियां हो जाए। आज से हम लोगों ने प्रण ले लिया हम बेटी के जन्म पर दुखी नहीं होंगे। खुदी को कर बुलंद इतना खुदा बंदे से कुछ पूछे बता तेरी रजा क्या है। और दूसरी चीज मैं आज ये कहना चाहूंगी, जो एड्स उन्मूलन के लिए भाई साहब ने ये जो कैंप लगाया है, कोई भी बीमारी, अभी हमने कोरोना देखा, कोरोना बता के नहीं आया लेकिन कितने लाखों लोगों को अपने साथ ले गया। इसीलिए हमें जब तक जीवन मिला है हमें उसे अच्छा जीना है, कल का हमें नहीं पता क्या हो, इसलिए आज पे जीना है, कल की चिंता नहीं करना। मरना तो एक दिन सबको ही है, तो क्यों ना खुश होगे जी के मरने, खुश होगे जी ने, चिंता करके मरने से अच्छा हम लोग खुशियां बांटते रहे और खुशियां लेते चले, कल का किसी को नहीं पता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।